हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये लीजिए विनायक भाई, आपकी टेबलेट। पापा, कार आज गैरेज से आएगी ना, तो हम ड्राइव पे चलेंगे पापा। बेटा, कार को आने में थोड़ा और वक्त लगेगा, बाद में जाते हैं। ओके पापा। विनायक बेटा, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं आई, बस तुम्हें देखने आया था। आज फाइनली मैंने फैसला कर लिया, खुद को और अपने परिवार को खत्म करने का, और इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। अब दुआ करो कि आप लोगों को ऐसे हालात का सामना ना करना पड़े। जो अपने पास है उससे ज्यादा पाने की चाहत हर कोई रखता है, अपनी पहुंच से ज्यादा, अपनी हैसियत से ज्यादा, लेकिन बेहतर जिंदगी के लिए अपने आज को दांव पर लगाना खतरनाक हो सकता है। विनायक शिंदे क्यों आज इस मोड़ पर खड़ा हुआ था? 3 साल पहले वो एक मेहनती आदमी था, उसकी जिंदगी आगे बढ़ रही थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ था जो उसे यहां तक ले आया? यस सर, राइट सर, नहीं, आई विल हैंडल, या श्योर सर, ऑलराइट, थैंक यू। मोहित दर्शन, लंच के पहले मुझे पूरी टीम से मिलना है, नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, लेट्स गेट थिंग्स मूविंग। यस बॉस, हो जाएगा। विनायक, रिव्यू मीटिंग के लिए आ रहा है क्या? नहीं यार, मैं नहीं आ पाऊंगा, नए क्लाइंट मेरे जान के पीछे पड़े हैं, सांस लेने का भी वक्त नहीं है। तू जाना, मैं बॉस को मेल कर दूंगा। ओके बिजी मैन। ज्यादा छोटे मत करना। ठीक है सर। अरे नहीं रे, इतना कुछ दम नहीं है। अरे देखिए मैंने उसकी हिस्ट्री। नहीं नहीं, थोड़ा ठंडा है, कुछ और बताना। 3-4 एकदम कड़क। हे चंदन मात्रे, मैं फोन करता हूँ। विनायक, कैसा है चंदन? मैं एकदम मस्त, तू कैसा है? कहाँ है, किधर है? एकदम ठीक हूँ यार। पता है 10 साल के बाद मिल रहे हैं। क्या बोल रहा है, 10 साल हो गए? हाँ 10 साल। और बताओ क्या चल रहा है आजकल? बस यार यही छोटा मोटा धंधा कर रहा हूँ, तू बता। बस यार, कॉल सेंटर में टीम लीडर हूँ। अरे वाह, तू तो बड़ा साफ बन गया। हाँ यार। अच्छा चल कॉफी पीते हैं कहीं चल के, इतने सालों के बाद मिले। चल लेट्स गो। क्या हुआ, चल
ये तेरी कार है? हाँ। क्या पका रहा है बोल ना। विश्वास नहीं तो पेपर्स दिखाऊं? वाओ यार, तेरा ये छोटा मोटा धंधा है क्या? खड़े खड़े यही इंटरव्यू लेगा क्या? हाँ चल आराम से बैठ के बात करते हैं, आजा भाई, चल आजा बैठ। यार तू कोई लफड़े का धंधा तो नहीं करता ना? मैं कहाँ किसी लफड़े में पढ़ूंगा यार। यार कॉलेज में तो तेरे पढ़ाई के वांदे थे, मुझसे कॉपी करके पास हुआ करता था, और आज इतनी बड़ी गाड़ी में घूम रहा है। बस यार छोटा मोटा काम कर लेता हूँ। यार चंदन मुझे भी बता ना, ऐसा क्या छोटा मोटा काम करता है तू? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, छोटी सी रकम से शुरुआत की थी। अपना ब्रोकर बहुत अच्छा आदमी है, एकदम बढ़िया टिप्स देता है। पिछले साल मार्केट डाउन थी, फिर भी मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ। स्टॉक मार्केट से इतना कमा लिया? हाँ यार, सुबह 9:30 बजे स्टॉक मार्केट की बेल बजती, 9:30 से धंधा शुरू हो जाता है और 3:30 बजे धंधा बंद। पैसे इन्वेस्ट करो दिन भर, प्रॉफिट कमाओ और घर लेके जाओ, अगले दिन उसी प्रॉफिट से और पैसे कमाओ। यार तुमने तो बहुत नोट छाप लिए। अब तू बता तेरा क्या चल रहा है? शादी कर ली? हाँ, लव मैरिज, एक बेटी भी है। वेरी गुड। और अभी 2 BHK घर लिया, लेकिन ऑब्वियसली ऑन लोन। काम अच्छा है लेकिन सैलरी इतनी अच्छी नहीं है। अभी तक कार भी नहीं ले पाया यार। अरे आ जाएगी गाड़ी, उसमें क्या है। अच्छा ये सब छोड़, घर चलना, अपनी फैमिली से मिलाता हूँ। आज नहीं, फिर किसी दिन, 10 साल बाद मिले, अब तो मिलते रहेंगे। हाँ हाँ मिलते हैं फुर्सत से। यार तेरा स्टॉक मार्केट वाला आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। चंदन खुद का बॉस है और शेयर मार्केट से बहुत सारे पैसे ही बना रहा है। शेयर मार्केट मतलब रिस्क है ना? अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेनी पड़ेगी ना। रिस्क पापा, रिस्क क्या होता है? बेटा जब तुम कोई ऐसा काम करते हो जो कोई और करने से डरे, उसे कहते हैं रिस्क। और जो हिम्मत वाले लोग होते हैं ना, उन्हें रिस्क लेने से डर नहीं लगता। Come on, give me 5. Yeah. अच्छे से पढ़ाई करना, शिकायत नहीं आनी चाहिए, ओके? चलो बेटा जल्दी चलो, पापा को बाय करो। चलो चलो चलो। अच्छा सुनो, कल न्यूज़पेपर वाले को बोल देना कि स्टॉक मार्केट वाला भी न्यूज़पेपर शुरू कर दे विदाउट फेल। हे भगवान, आप पर भी ना शेयर मार्केट का भूत सवार है। चलो बाय। हंसलो हंसलो, बताता हूँ तुम्हें भी। चलो बाय बाय। वो ब्रोकर मेरे लिए भी डील करेगा क्या? अरे करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? क्यों, तुझे भी स्टॉक मार्केट में पैसे डालने हैं? हाँ क्यों, मुझे भी आगे बढ़ना है यार। ले नंबर लिख उसका। एक मिनट विनायक जी, आपको किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? अरुण भाई शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिट है ना। शॉर्ट टर्म मतलब सुबह पैसा लगाया और शाम होते होते तक पूरा पैसा निकाल लिया और प्रॉफिट बुक किया। वैसे मैं आपके लिए दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अरुण भाई मुझे तो शॉर्ट टर्म ही करना है, कुछ सजेस्ट कीजिए ना। अच्छा
अगर आपको आज से ही इन्वेस्ट करना है तो मेरे पास एक स्क्रिप्ट है 7 रुपए का, और शाम होते होते तक तो वो 10 पॉइंट बढ़ेगा ही। मतलब अगर मैं आज 10,000 लगाता हूँ तो आज के आज ही 70,000 हो जाएंगे। जी हाँ, वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक साथ 2-3 शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। आपको कितना पैसा डालना है उस हिसाब से मैं अपनी फर्म में आपके लिए एक अकाउंट खोल देता हूँ, उसके बाद आप रोज ट्रेडिंग कीजिए। ठीक है, आज ही से श्री गणेश कर देते हैं। क्या आप सीरियसली शेयर्स में पैसा डालेंगे? ऑफ कोर्स, देखना बहुत जल्दी हमारी लॉटरी लगने वाली है। विनायक मीटिंग के लिए आ रहा है क्या? सुचित्रा, आज टोटल 11,250 का प्रॉफिट हुआ है, वो भी मैं सेफली खेल रहा था इसीलिए। विनायक जरा संभाल के, थोड़ी सी रिस्क लेता ना तो 1,00,000 भी बना सकता था। सुचित्रा, ये खेल है, संभाल के नहीं, यहाँ दिमाग से खेला जाता है। ये कौन सा खेल है विनायक? माँ तुम नहीं समझोगी, बस इतना समझ लो कि तुम्हारा बेटा लाइफ बना रहा है। क्या बॉस रिजाइन कर रहा है? हाँ यार। न्यू जॉब? ना, अब कोई जॉब नहीं, कोई अपना बॉस नहीं, अपन अब खुद के बॉस। कोई लॉटरी लग गई है क्या? यही समझ ले, खुद का काम शुरू कर दिया है। पागल हो गया है क्या? घर का ईएमआई? ईएमआई की अब कोई टेंशन नहीं है, सैलरी से जितना कमाता था ना उससे दुगना तिगना नहीं चौगना भी कमा लूंगा। कुछ बताएगा काम क्या कर रहा है? बस ये समझ ले अपनी लाइफ बना रहा है। विनायक ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, अब वो पूरी तरह से स्टॉक मार्केट की दुनिया में डूब गया था और उसे मुनाफा भी हो रहा था। हमेशा से उसने जो बेहतर जिंदगी का सपना देखा था वो पूरा हो रहा था। विनायक अपनी लाइफ बना रहा था। मैडम ये टीवी? विनायक? हाँ? वो 40 इंच HD टीवी तुमने ऑर्डर की है? हाँ, आ गई क्या? हाँ वो। दादी देखो तो कितना अच्छा टीवी है ना। हाँ बेटा बहुत अच्छा टीवी है। पापा आई लव यू, नया टीवी बहुत अच्छा है। लगा दो, देखेंगे जो स्टॉक तो अच्छा है ना। हेलो, हाँ विनायक मैं पहुंच गई हूँ कंपाउंड में। तुम वहीं रुको, मैं अभी आया। क्या सरप्राइज है मम्मा? पता नहीं बेटा, पापा बताएंगे, उन्होंने कहा यहाँ आके वेट करो। पापा पापा क्या सरप्राइज है बताइए ना। सरप्राइज? चलो बताता हूँ। एक छोटा सा सरप्राइज मेरी प्यारी सी वाइफ के लिए। मेरे लिए? वाह पापा, इट्स सो क्यूट। है ना? अब मम्मा को ऑटो में जाने की कोई जरूरत नहीं है, मम्मा ऑफिस इसमें जाएंगी। और कभी मम्मी मेरे को स्कूल भी लेके जाएगी। चलो ना मम्मी एक चक्कर लगाते। सुचित्रा से 45,000 की है। रिलैक्स। बाप रे, 45,000? ना भी ज़्यादा नहीं है माँ। थैंक यू विनायक, कि सच में बहुत बड़ा सरप्राइज है। ये तो अभी शुरुआत है, आगे एक बड़ी कार भी लेनी है। वाह पापा, यू आर सो ग्रेट। क्यों माँ, चलेगी ना ड्राइव पे मेरे साथ? मैं कहाँ गाड़ी में जाऊंगी, नीचे उतरने को तो होता नहीं मुझसे। तुझे थोड़ी बैलगाड़ी में लेके जा रहा हूँ,
कार आएगी तो नीचे भी उतरेगी और हमारे साथ बाहर भी चलेगी ड्राइव पे। सुचित्रा, इस बार समर में क्यों ना एक अच्छा सा वैकेशन प्लान किया जाए। हाँ पापा, हम सब जाएंगे। सच में बहुत दिन हो गए हम सब एक साथ नहीं गए छुट्टी पे। लेकिन पहले कार। आई प्रिया, विनायक जल्दी से आ जाओ, खाना रेडी है टेबल पे। हाँ भाई। आ जाओ। चलो दादी खाना खाने। चल चल बेटा। हाँ सब्जी। विनायक, खाना ठंडा हो जाएगा, जल्दी से आ जाओ। तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। अच्छा। मम्मी, अपनी कार कब वापस आएगी? दिया, पापा ने कहा है ना गैरेज में है, टाइम लगेगा बेटा। हाँ सर, आप इसे एक्सीलरेट कीजिए, तब आपको पता चलेगा कितनी प्यारी क्रूजिंग है इस गाड़ी। सो, आपको कैसा लगा सर? अच्छी कार है। बाप रे, 27 लाख! नायक, बहुत महंगा हो जाएगा। अरे कार का टॉप मॉडल है, सारे फीचर्स है उसमें, लेना है तो सस्ती क्यों ले भाई, लेंगे तो बेस्ट लेंगे। तो फिर आप इसके लिए कितना लोन लोगे? 20 लाख का लोन और 7 लाख रुपए अपनी जेब से। विनायक, कुछ ज्यादा नहीं होगा? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, EMI तो देखते देखते निकल जाएंगे। और फिर दूसरी कार। यार विनायक, मुझे मत लपेट इस लोन वोन के चक्कर में। चल अब रो मत ज्यादा, तुझे थोड़ी भरने को बोल रहा हूँ, बस गारंटर बनना है तुझे तो। वो सब ठीक है यार, लेकिन मैं तेरे जैसा शेर नहीं हूँ किसी और को बोलना। यार मुझे इन सब चीजों से बहुत घबराहट होती है। यार तू घबराता बहुत है, कोई और भरोसे वाला होता तो तुझे थोड़ी फोन करता। अब मैं पेपर्स भेज रहा हूँ, जल्दी से साइन करते। तू जैसे ही साइन करेगा ना, मेरी कार मेरे पास होगी, चिंता मत कर यार। चल ठीक है यार, तू इतना कह रहा है तो भेज दे, मैं साइन कर देता हूँ। ये हुई ना बात। थैंक्स यार। वेल डन मिस्टर विनायक, गाड़ी तो अभी शुरुआत है, ये तो बहुत आगे जाना है। अरुण भाई, इतना प्रॉब्लम था तो निकाल देना चाहिए था। विनायक जी, आप तो जानते हैं बिना आपकी क्लियरेंस के मैं कुछ नहीं कर सकता, और मैं तो आपको फोन मिला रहा था, आप ही का नंबर नहीं लग रहा था। अरुण भाई, मैंने आपको बताया था कि मैं हॉलीडेज पे जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ, फ्लाइट में था इसीलिए फोन नहीं लगा होगा। अब मार्केट इतना नीचे जा रहा था तो आपको निकाल देना चाहिए था। विनायक जी, अगर आपने मुझे पहले कहा होता तो मैं ये भी कर देता। और वैसे भी अभी हफ्ते भर से मार्केट मंदा चल रहा है, मतलब 75,000 का लॉस। हाँ, करीब करीब 73,000 तक डूबा है। आप एक काम करो, अब आप कब आ रहे हो, हम सब आपके वेट कर रहे हैं। अरुण भाई एक मिनट, बेटा आप मामा के साथ आगे चलो, मैं माल रोड पे मिलता हूँ आपको, ओके? हाँ अरुण भाई, कल 50 लगा दो दूसरे वाले पे, कल तो बढ़ेगा ना? उसमें 25, इसमें 17 और तीसरे में 12, 56,000 का नुकसान हो गया अरुण भाई। विनायक जी, मैंने आपको बताया ना, मार्केट अभी बहुत ठंडा चल रहा है। सिर्फ आपका ही नहीं, बाकी कई लोगों का भी नुकसान हुआ है। मार्केट की हालत तो अभी ऐसी है कि 80 पॉइंट चढ़ता है तो 150 पॉइंट गिरता है। पर ऐसा क्या हो रहा है जिससे मार्केट की इतनी बुरी हालत है? विनायक जी, जब सरकार हिली पड़ी है तो मार्केट कैसे स्टेबल होगा? ले बेटा कॉफी पी ले। क्या बात है विनायक, तू परेशान क्यों है? कुछ नहीं मां, मैं ठीक हूं। क्या बात कर रहा है अरुण भाई? 300 पॉइंट लुढ़क गया मार्केट, लगता है लोग जमकर प्रॉफिट बुकिंग में लगे हैं। लेकिन मेरा तो दिवाला निकला जा रहा है, आज जो 40 दिए थे उसका क्या हुआ? कुछ खास नहीं,
6,000-7,000 रुपए पर है। मतलब अभी निकालने का कोई फायदा नहीं, क्या लगता है आपको बढ़ेगा? आज तो चांस कुछ कम लग रहा है, ये लीजिए 40 पॉइंट और कम। अरुणा एक काम कीजिए, आप निकाल दीजिए। जैसा आप बोलो। अच्छा विनायक जी, आपके अकाउंट में पैसे कुछ कम पड़ रहे हैं। कल दूसरे अकाउंट से फंड ट्रांसफर करता हूँ। लेकिन अरुण भाई, कल तो मार्केट बढ़ेगा ना? कल की बात तो कल ही पता चलेगी ना विनायक जी, आप तो जानते हैं स्टॉक मार्केट कैसा है। ठीक है। मिस्टर विनायक, मैं कॉमन ट्रस्ट बैंक से बोल रहा हूँ। आपके लोन का EMI बाउंस हो चुका है सर। I'm really sorry, शायद अकाउंट में फंड कम होंगे। सर प्लीज़ अपने EMI अकाउंट को हमेशा एडिकेट फंड्स के साथ मेंटेन रखें। EMI बाउंस होना सीरियस मैटर है। ओके, मैं अभी दूसरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कराता हूँ। क्या करूं यार, टाइम खराब चल रहा है, बिल्कुल पैसे नहीं है मेरे पास। यार विनायक, तेरे बैंक से मुझे दर्जन भर फोन आ चुके हैं, तूने 2 महीने से EMI भी नहीं भरा है और तू फोन भी नहीं उठाता है। यार थोड़ा भरोसा रख, मार्केट अभी डाउन है, एक बार पिकअप करेगा ना तो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। मुझे मत फंसा, मैंने तुझे पहले ही बोला था मुझे गारंटर मत बना। यार तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे EMI तुझे भरनी है। यार लोन मुझे चुकाना है, तू इतना गर्म क्यों हो रहा है? बैंक से फोन मुझे आ रहे हैं, गारंटर तो मैं हूं ना, तूने नहीं भरे तो वो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। देख भाई, जल्दी से EMI भर वरना दोस्ती गई तेल लेने। मैं सीधे तेरी कंप्लेन कर दूंगा। विनायक ने अपनी जिंदगी में एक बड़ा चढ़ाव देखा था, लेकिन अब उसकी जिंदगी ढलान पर थी। वो स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा खो चुका था, भारी कर्ज थे उस पर। यार मेरा भी बड़ा घाटा हुआ है विनायक, क्या करें, मार्केट का यही लोचा है। यार, मेरा तो दिवाला निकल गया यार, सड़क पे आ गया हूँ, देखते ही देखते 10-15 लाख का नुकसान हो गया। तू है ना, अब पैसे मत लगा। बल्कि जब तक इलेक्शन नहीं होते ना, तू पैसे लगा ही मत, उसके बाद देख मार्केट कैसे उछलेगा। लेकिन तब तक क्या करूं यार, मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है। थोड़ा सोच के पैसा लगाना था ना। खैर अब थोड़ा हाथ खींच के रखो। ओके आई नो चंदन, डूबे हुए पैसों का मैं कुछ नहीं कर सकता यार। चंदन कुछ पैसों की जरूरत थी यार, 3-4 लाख की EMI पेंडिंग है, बैंक वालों के बार बार फोन आ रहे हैं। मेरे पास पैसे होते तो मैं दे देता, लेकिन मेरे भी सारे पैसे फंसे हुए हैं। तेरी बहुत पहचान है यार, कोई ऐसा है जो मुझे पैसे दे दे? पहले EMI भर देता हूँ यार, बाद में देखेंगे कि पैसे कैसे लाने हैं। बैंक तो पैसे देने से रहा, मैं कुछ प्राइवेट मनी लेंडर्स को जानता हूँ जो पैसे देते हैं, बात करके देखता हूँ। यार ट्राई करना, बहुत मदद होगी यार। चंदन बहुत परेशान हूँ मैं। तू फिक्र मत कर, देखता हूँ। बस इतने पैसे? हाँ विनय, पिछले महीने के सैलरी में से सिर्फ इतना ही बच पाया, अब अगले महीने का वेट करना पड़ेगा। हर महीने किश्त देनी होगी। ठीक है सुरेश भाव, एक बात याद रखना विनायक, मैं कोई बैंक नहीं हूँ, ये लेन देन का धंधा है मेरा, महीने की किश्तों से ही कमाई होती है मेरी, इसलिए किश्तें टाइम पे दे देना। हाँ फिक्र मत करो सुरेश भाई, मैं किश्तें टाइम पे ही दूंगा। ठीक है, अभी 3 लाख दे रहा हूँ, इस फॉर्म में अपने डिटेल्स भर दो। कुछ बात बनी? हाँ, कार की 4 महीने की EMI भर दूंगा, टीवी और फ्रिज की EMI भरने के बाद भी 60,000 रुपये बचते हैं। सुरेश दामले को हर महीने 25,000 देने, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार रिस्क नहीं लूंगा और सेफली खेलूंगा। मैं क्या बोल रही हूँ, आप दूसरी जॉब क्यों नहीं ट्राई कर लेते? सुचित्रा, बुरा वक्त आता है, लेकिन लेकिन ऐसे डर के क्या जीना, भरोसा रखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लाइफ फिर से बन जाएगी।
कुछ बताओगे चल क्या रहा है? आप ठीक नहीं लग रहे हो, आपने खाना भी तो नहीं खाया आज। कुछ नहीं, बस भूख नहीं है। बस अब बहुत हो गया यार, मैं और नहीं झेल सकता यार। समझने की कोशिश कर, बहुत मुश्किल में हूँ यार। तो मैं क्या करूँ यार, मैंने थोड़ी बोला था इतना लोन उठाने को, तू गाड़ी में घूमता है, टेंशन मेरे को, ये सब गलत है बॉस। यार मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फिलहाल मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं। ये सब जाके तू बैंक को बता, तू तो फोन उठाता नहीं है, तेरे पीछे वो लोग मुझे परेशान करते हैं। अगर मेरे पास कोई रिकवरी एजेंट आया तो सुन ले तू, मैं तेरी सीधी कंप्लेंट कर दूंगा। सॉरी यार रोहन, बहुत परेशान हूँ यार मैं। तेरा अपना फैला हुआ है, तू खुद समेट। क्या शिंदे, भूल गया क्या? चार महीने से ना तू आया ना तेरी किश्त। सुरेश भाई थोड़ा लेट हो गया, अब ऐसा नहीं था। मैंने पहले ही बात साफ कर दी थी, मैं बैंक नहीं हूं और अपना काम धंधा छोड़ के तेरे चक्कर नहीं लगा सकता। मैं शराफत से बोल रहा हूँ, एक हफ्ते का टाइम देता हूँ, पैसा नहीं आया तो शराफत छोड़ दूंगा। क्या हुआ बेटा, ये कौन चिल्ला रहा है? कोई नहीं माँ, वो मेरे दोस्त थे। मिस्टर विनायक, आपका ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा है, लेकिन ये 3 साल आप क्या कर रहे थे? सर वो मैंने काम से ब्रेक लिया था। ब्रेक हायर स्टडीज के लिए या कुछ और? सर कुछ और ट्राई कर रहा था। जैसे कि? सर अपना काम करने की कोशिश कर रहा था। कैसा काम? सर छोटा सा बिजनेस था मेरा। मिस्टर विनायक साफ साफ बताइए, आप क्या पिछले जॉब के क्लाइंट्स लेकर खुद का काम शुरू कर रहे थे? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आप बताइए ना कि क्या कर रहे थे इस ब्रेक में? अब तक 6 इंटरव्यू दे चुका हूँ, जहां जाता हूं मुझसे लोग यही पूछते हैं कि मैंने 3 साल किया क्या, क्या जवाब दूं उनको? और वैसे भी वो जो ऑफर कर रहे हैं वो पिछली जॉब से बहुत कम है, और मेरे इस 3 साल के ब्रेक से मेरे एक्सपीरियंस में फर्क पड़ा है। एक हफ्ता हो गया, पैसा कहाँ है? सुरेश बाबू मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही मिल जाएगी मैं आपके पूरे पैसे दे दूंगा। तू जब तक चाहे नौकरी ढूंढ, मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी। पैसे नहीं है तो गाड़ी की चाबी दे। चल चाबी कब? सुरेश भाई चाबी दे। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, मेरे 2.25 लाख रुपए दे दे और गाड़ी ले जा। वैसे भी मुझे गाड़ी का शौक नहीं है, लेकिन अगर सोमवार तक पैसे नहीं आए तो मैं आऊँगा वापस। मेरी माँ है, बीवी है, बच्ची है, याद रख। ऐसा कुछ कर सकता हूँ उनके साथ कि तुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, समझे? इसलिए पैसे जल्दी लौटा देना। क्या हुआ बेटा, तू कुछ बताता भी तो नहीं है, ये क्या हो रहा है? बोल बेटा। पापा हमारी कार कहाँ गई? क्या हुआ? हमारी कार कहाँ गई? वो बेटा मैंने गैराज में भेजी है, कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई। ओके पापा। दादी भूख लगी है, खाना दो ना। जी विनायक घर पे है। आप कौन? पापा पापा विनायक
भाऊ भाऊ मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा, प्लीज जाने दो हमको। विनायक मैं बोला था पैसा नहीं मिलेगा तो मैं वो करेगा जो तू देख नहीं पाएगा। भाऊ मैं दे देगा आपका पैसा। भाऊ विनायक क्या हो गया आपको, तबीयत ठीक नहीं है आपकी? हाँ शाम को ही सो गए आप। विनायक सब ठीक है ना? क्या हुआ, क्या कहना है? पता नहीं सर, इसने मुझे फ़ोन किया, बहुत घबराया हुआ था। मैं इसे पिक करने गया तो बोला पुलिस स्टेशन जाना है। उसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ और कुछ बोल ही नहीं रहा। ठीक तो हो ना तुम? मैंने अपने घर वालों को मारने के बाद खुद को मारना चाहा पर हिम्मत ही नहीं कर पाया खुद की जान लेने। पागल हो गया क्या ये? क्या बोले जा रहा है ये? मैंने अपनी बेटी, अपनी माँ और पत्नी को मार डाला और जब अपनी जान लेने की बारी आई तो हिम्मत ही नहीं हुई अपने आप को मारने की। ये तूने क्या किया विनायक? सबकी डेड बॉडी
मेरे घर के ड्राइंग रूम में। ये सर, सर अभी तो मंदी चल रही है मार्केट में, आपको तो पता है ना मार्केट का, आज नीचे है तो कल ऊपर उठेगा। हाँ सर, मैंने गाड़ी उठाई थी उसकी और धमकाया भी था उसको, लेकिन सर ये मेरा काम है, उसने लोन लिया था और चुका नहीं रहा था, मैं भी क्या करता, कब तक प्यार से बात करता मैं उससे। और तुम्हारी इस धमकी से घबरा कर उसने अपने सारे घर वालों को मार डाला। जब लोन लेते तब घर वाले याद नहीं आते, मैं भी क्या करता, पैसे तो वसूलने थे उससे, मेरे भी तो अपने घर वाले हैं ना सर। हर इंसान के मन में कुछ पाने की, कुछ हासिल करने की चाह होती है, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। इंसानी फितरत है बेहतर जिंदगी के ख्वाब देखना, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हम जिस राह पर चलते हैं मंजिल भी उसी हिसाब से मिलती है। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन आगे बढ़ने की ये बेलगाम चाह हकीकत की जमीन से जुड़ी होनी चाहिए, जो अपनी पहुंच में है उस तक सीमित होनी चाहिए। एक कहावत है जिससे हम सब वाकिफ हैं, पैर उतने ही फैलाओ जितनी की चादर हो। शायद आज के लोन्स, ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के जमाने में ये कहावत थोड़ी पुरानी लगे। ये सब आपसे यही कहेंगे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन तब तक साथ हैं जब तक आप उनके पैसे लौटा सकते हैं। कोई भी मार्केट जो समाज के बदलते रंगों के साथ चढ़ती उतरती है, वो हमेशा चेतावनी देती है, हमेशा जोखिम से भरी होती है। ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना खो सकते हैं। कर्जा ना चुका पाने की वजह से विनायक ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। उसकी बेहतर जिंदगी की चाह ने उसके मासूम परिवार की जान ले ली। इस बात से सतर्क रहना बेहद जरूरी है कि हमारी इच्छा, हमारी महत्वाकांक्षा कहीं लालच का रूप ना ले ले। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।